नमस्कार, जय जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलय जगदा, एमडी होम्योपैथ औरंगाबाद महाराष्ट्र से। आज 4 जनवरी 2023 शाम को मेरे फेसबुक लाइव पे स्वागत करता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा था कि 3 जनवरी के बाद में नॉर्थन रीजन जो है, नॉर्थन इंडिया, वो बी प्रिपेयर्ड फॉर कोल्ड विंटर ब्लास्ट, ठंड के लिए रेडी हो जाइए। और ख़ास करके नॉर्दर्न रीजन की जो स्टेट्स है, वो 3 के बाद से स्नोफॉल के लिए, हेल स्टॉर्म के लिए प्रिपेयर हो जाइए। और मिडल इंडिया और लोअर मिडल इंडिया के नीचे का साउथ इंडिया रीजन जो है, वो बारिश के लिए एक प्रिपेयर हो जाइए। तो मैंने आपको पिछले अक्टूबर नवंबर में, अगस्त सेप्टेम्बर से लेकर बता रहा हूँ, ख़ास करके 1.5 महीने पहले फिर से समझाया था और 8 दिन पहले मैंने आपको इस ग्रुप के जरिए मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स में 15 दिन पहले स्नोफॉल स्टार्ट हुआ और वो 8 दिन तक मिडल ईस्ट तक पहुंच चुका है। जर्मनी, इटली, फ्रांस इस रीजन तक पहुंच गया है। फिर परसों दिन तुर्की में था, कल सऊदी अरबी में था और अब जो मैंने कहा था कि 8 दिन के अंदर वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और राजस्थान से होते होते ये आगे सर खिसकेगा और अगले हफ्ते के, यानी इस हफ्ते के मिडल तक, 6-7-8 तारीख तक ये इंडिया तक पहुंच जाएगा। तो आज राजस्थान से न्यूज़ आई है, राजस्थान में जो है बर्फ गिरी है, स्नोफॉल हुआ है और इससे अगले के 15 से 20 दिन तक ये ठंड, ये स्नोफॉल, ये वर्षा, ये भारत में रहेगी। कुछ लोगों ने कहा था नवंबर दिसंबर हो गया, बरसात खत्म हो गई है, मैंने तब भी कहा था कि जो आपको लग रहा है ऐसा नहीं है, बरसात रहेगी। और इसी तरह से अपडेट के लिए आप मेरा जो डॉक्टर विलय जगदा चैनल है, उस पर आप ज्वाइन जो ऑप्शन है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। कई लोग उस ऑप्शन पे ज्वाइन होते नहीं आ रहा है, तो आपका गूगल पे या फोन पे पे आपके वॉलेट के अंदर अमाउंट ट्रांसफ़र करके आप उससे डायरेक्ट वहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन जो है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत जो ऑप्शन आ रहा है सर, वो हो नहीं रहा है, तो उसका जवाब जो है मेरे छोटे भाई ने उसको होगा, बताओ उसको बताने के लिए आपके पास आया। रेडी रहिए, सोलार जीवन स्टॉर्म स्टार्ट हो चुका है। कल से साउथ अमेरिका में जो है, कैलिफोर्निया का रीजन जो है, वो अगले 25 से 26 दिन बरसात जो है वहां पे हेवी बरसात बहुत तेज आने वाली, बहुत तेज होने वाली वहां पे बरसात। और खास करके इस चीजों पे ध्यान रखिए, जो भी अनाज है, कल ही मुझे पता चला कि मेरे एक दोस्त ने बताया कि गेहूं जो है वो महाराष्ट्र में 37-38 रुपीज़ के जी तक गया है और ये अगले, मैंने कहा है जून आते आते ये कम से कम 60-70 रुपये के जी तक जाएगा। और जिन्होंने मेरी बात मानी है, जो मेरे फॉलोअर्स है, जिन्होंने अनाज भर के रखा हुआ है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, जिनको अभी भी यकीन नहीं है, बस ऐसे रही है। हम आपको जगाने का बहुत प्रयास किए, ट्राई किया, आप लोग नहीं जगे। जब आपके डेस्टिनेशन में ही नहीं दिखा है जागना, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम आपको जगा रहे हैं, आप नहीं जाग रहे हैं, हम आपको जो किसी और को जगाएंगे। एक के पीछे 10 बार बोलने के बचे हैं, 10 लोग सुनेंगे, 10 जनों के एक बार बोलेंगे, वो सुन लेते हैं तो कई लोग जाग जाएंगे, कहीं मौका उनको ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए जागने का मौका अभी भी है कुछ लोगों के पास। अभी भी पंज टीके अगर ले लिए हैं तो सफ़ेद मछली, काली मछली हफ्ते में एक बार से 3 महीने कीजिए, 12 हफ्ते आपको पूरे साइड इफेक्ट। इसके सिवा और कोई डिटॉक्सिफिकेशन नहीं है, अगर कोई क्लेम कर रहा है तो आपको ठग रहा है, इतना याद रखिए। और ड्यूली अपडेट्स के लिए मेरा डॉक्टर विलय जगदा जो मेम्बरशिप चैनल है उस पर आइए, उस पर आपको मेडिटेशंस और आने वाली नई अपडेट्स, क्योंकि कई सारे लोगों को हमें अवॉइड करना है, उनको अपने गले में डाल के खींचते हुए लेके नहीं जाना है। अभी को छोड़ दीजिए,
अपना अपना काम करते रहिए, चलते रहिए, क्योंकि एक देखिए एक बहुत बड़े बिजनेस मैन थे, किस्सा बोलता हूँ मैं। क्या हुआ, बहुत तेज़ बरसात हो रही थी और बहुत तेज़ बरसात में सारे लोग जो थे हाईवेज पे बहुत बरसात की देख के उनकी गाड़ियाँ बहुत स्लो चल रही थी, उन्होंने साइड में लगा दिया और बरसात में उन्होंने ड्राइवर्स को बोल दिया कि हम इस बरसात में नहीं जाएंगे, हम रुक जाएंगे, बरसात राह देखेंगे। वो जो बिजनेस मैन थे उन्होंने उनको ड्राइवर को कहा नहीं तुम चलते हो, उन्होंने सर आगे का 15 फीट 20 फीट के आगे का नहीं दिख रहा है, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम कार की लाइट्स ऑन करो, पार्किंग लाइट्स ऑन कर दो और फुल वाइपर्स पे दे, उसको धीरे धीरे चलते रहो, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट होते रहे, वो चलते रहे। और एक आधे एक घंटे बाद वो उस तूफान से उनकी गाड़ी जो थी वो धीरे धीरे करते करते 15-20-25 किलोमीटर के बाद जो वो निकल गई बाहर एक डेढ़ घंटे में, तो बस तूफान था तो बारिश के पीछे रह गई और वो निकल गए बाहर। और जैसे बाहर निकले फिर क्लियर आसमान था, रास्ता साफ था, तो बोले सर अच्छा हुआ हम धीरे धीरे आए और तूफान पीछे रह गया। ये स्टोरी का एक मॉरल है कि जो लोग इस तूफान में रुके हैं उसको वहीं रहने दें। मैंने कहा है आपको जहाँ लेके जाना है हम लेके जाएंगे, तो इसका रास्ता जो है हम आपको बता रहे हैं कि आप अपना अनाज भर के रखो, अपनी इमरजेंसी किट बना के रखो, वक्त बुरा आने वाला है, मेडिटेशन करो, आपका फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो, क्योंकि ये तूफान अब स्टार्ट हो रहा है, ये फोर्थ डायमेंशन का तूफान जो है वो स्टार्ट हो रहा है और हम इस तूफान में चलते रहेंगे धीरे 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 10-15-20 की स्पीड से, तो हम इस तूफान से धीरे धीरे निकल जाएंगे और जो इसमें फंस जाएंगे इस महंगाई में, इस फूड क्राइसिस में, इसके अंदर जो फंस जाएंगे वो वही रहेंगे, उसी थर्ड डायमेंशन में फंसे रहेंगे और एक न्यू रियलिटी जो आने वाली है फ्यूचर में फिफ्थ डायमेंशन की जो हमारे साथ चलते रहेंगे, उनको हम इस सिचुएशन से बहुत पीसफुली कामफुली से आराम से निकाल के हम फिफ्थ डायमेंशन में लेके जाएंगे। तूफान में से जो चलते रहेगा वही एक सच समय के बाद में जब वहाँ तूफान ख़त्म होगा एक तब तक हम उस तूफान से बाहर निकल रहेंगे बिना किसी तकलीफ के। यही है फोर्थ डायमेंशन जिसमें हम अभी हैं और चल रहे हैं, और इसमें हमें उन लोगों को अभी ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं लेकर लगे तो मैंने 2 साल ट्राई किया, आज वही हमारे गले में अटक के बैठे हैं और हमें पीछे खींच रहे हैं क्योंकि उनका पूरा नॉलेज नहीं, उन्होंने मेरे पूरे वीडियो देखे नहीं, उन्होंने एक एक डेढ़ घंटे की वीडियो डाले उन्होंने देखे नहीं, मैंने देखे हैं तो समझा है, क्या बताया क्या समझाया। तो अब उसके फुल नेक्स्ट अपग्रेड के लिए आप ज्वाइन जंगल चैनल को ज्वाइन कीजिए, बस चैनल पे आप कुछ और अपडेट्स आपको देख रहे हैं, इस तूफान से निकलने के रास्ता में आपको दिखाते रहूँगा। हाफ नॉलेज वालों को हमें हमारे साथ लेना नहीं है, जो ज़्यादा था वही बचेगा। जय हिंद जय भारत।